छतरपुर नगर पालिका के द्वारा इन दिनों लगातार शिविरों के आयोजन कर आम जनता की समस्याओं को उनके वार्डों में सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। छतरपुर नगर पालिका ने बीते एक सप्ताह में लगभग 3 स्थानों पर इसी तरह के शिविरों के आयोजन किए और लोगों के आवेदन लेकर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। इन शिविरों के माध्यम से कई लोगों की समस्याओं का मौके पर हल हुआ तो कई लोगों की समस्याओं को हल कराने का भरोसा दिलाया गया। ये मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया गया है, ये 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक। इससे जो योजनाएं हैं, जितने भी मुख्यमंत्री योजनाएं, उनका लाभ हितग्राहियों को मिले, जिनको नहीं मिला है, इस माध्यम से वर्ड करा रहे हैं। ये शिविर लगाया जा रहा है जिससे कि सबकी सुनवाई हो रही है, सब अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। इसी वजह से सभी जो है हर वार्ड में शिविर लगाया जा रहा है। क्या ये इसी दौरान रहेगा कि आगे भी जारी रहेगा? अभी ये शिविर आगे भी रहेगा, चलेगा। ये हमारे पार्षद के द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा, नगर पालिका आपके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री जी का, केंद्र सरकार का ये ही है, जनता के बीच में हम जितने जनप्रतिनिधि हैं, एक एक घर घर जाकर सेवा का भाव लेकर उनका काम करें। आपने देखा होगा, विधवा पेंशन हो, वृद्ध पेंशन हो, श्रम कार्ड हो, या घरेलू कामकाजी महिला है, ये सभी का लोगों के फॉर्म दिए जा रहे हैं। जो पात्र होंगे उनके निश्चित रूप से उनके ये कार्ड बनाए जाएंगे, जिनको गल्ला पट्टी भी मिलेगी। और नगर में कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ रोड चाहिए, वार्ड बाई वार्ड जाकर ये भी निरीक्षण किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि गौरमा बंगला तालाब से जाकर अध्यक्ष जी ने सफाई के लिए भी घोषणा की है, और काफ़ी पार्षद जी से युवा मोर्चा की मांग पर, तो ये सब एक एक घर जाकर एक एक ग्राहियों को लाभ देने का काम किया जा रहा है नगर पालिका। कब तक साफ हो जाएगा तालाब, क्या उम्मीद है? तालाब की बहुत से लोग 5-6 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा, फिर देखते हैं 15 दिन के अंदर हमारा काम पूरा हो जाएगा। पूरा कार्य होगा? हाँ, 1 महीने के अंदर तो हो ही जाएगा।